नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल जा रहे हैं वृषभ राशि में। तो आइए जानते हैं सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में वृषभ राशि का मंगल कैसे परिणाम देने वाला है अप्रैल के पूरे महीने में, यानी 1 अप्रैल से लेके महीने के अंत तक। वैसे तो 22 मार्च 2019 को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले अप्रैल माह की, कैसा कुछ रहने वाला है अप्रैल माह इस परिवर्तन के कारण। ज्योतिष में यह परिवर्तन बहुत अहमियत रखता है, इस परिवर्तन को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है भोग है, विलास है, विलासिता है, नाम है, शौहरत है, तरक्की है, लग्जरी है, सुख है, और इस जीवन में जितने भी सुख जुड़े हुए हैं उनके साथ शुक्र भी जुड़ा हुआ है। शुक्र धन है और धन के बिना इस जीवन में आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशहाली देते हैं शुक्र, और इसी शुक्र की राशि में मंगल जा रहे हैं। मंगल सेनापति है, मंगल में ताकत है, पराक्रम है, शौर्य है, बल है, और मंगल क्रूर है, कठोर है, और शुक्र कोमल है और स्त्री है। तो यह जो एक संयोग है कठोर और कोमल का, यह क्या परिणाम आपको देने वाला है इस महीने में जानेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और घंटी वाले निशान को नहीं दबाया है तो अभी दबाएं, क्योंकि सभी जानकारियां आपको हम वक्त वक्त पर देते रहते हैं तो आपको मिलती भी रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करना आवश्यक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अप्रैल माह में यह परिवर्तन आपके जीवन में कैसे सुखद परिणाम लेकर आने वाला है। यह जो जानकारी है चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे लग्न राशि से देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कुंडली के माध्यम से। देखिए 5 नंबर की कुंडली आपके सामने है, जहां पर नंबर 2 लिखा हुआ है वहां पर बैठे हुए हैं मंगल। तो 5 नंबर की कुंडली यानी कि सिंह राशि की कुंडली नंबर 2 यानी कि वृषभ राशि, उसमें विराजित है मंगल, और मंगल आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। जैसा कि आप और मैं जानते हैं मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4थी, 7वीं और 8वीं। मंगल 4थी दृष्टि से लग्न को, 7वीं दृष्टि से 4थे भाव को, और 8वीं दृष्टि से 5म भाव को देखेंगे। यह जो जानकारी है आपको ज्योतिष के आधार पर दी जा रही है, दृष्टियों के आधार पर दी जा रही है, ग्रहों कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं उसके आधार पर दी जा रही है। तो आप इस जानकारी पे विश्वास कर सकते हैं, और आपके जीवन में ऐसा यदि घटित नहीं होता है जो मैं आपको बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपकी लग्न कुंडली में कोई दोष है, कोई दिक्कत है या परेशानी है, या आपको सही से आपकी चंद्र राशि या लग्न राशि का पता नहीं है। तो यदि आपको बताए गए परिणाम नहीं मिलते हैं तो जो मैंने अभी आपको बातें बताई उस पर एक बार विचार अवश्य करिएगा, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि विस्तार से कि क्या कुछ होने वाला है अप्रैल के महीने में। आप या तो नौकरी करते होंगे या व्यापार करते होंगे या शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, तो अब आपको इस समय में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तभी आपको परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। लाभ कमाने के लिए मेहनत जीतोड़ करनी होगी, तभी लाभ की आशा आपको रखनी चाहिए। बिना मेहनत के अप्रैल के महीने में आपको सफलताएं कम प्राप्त होंगी। कड़ी मेहनत के लिए मंगल आपको शक्ति, साहस, बुद्धि और शरीर में ऊर्जा भी देंगे। तो यानी मेहनत करने में आपको जो ताकत लगती है, शक्ति लगती है, ऊर्जा लगती है, उसके लिए मंगल सज्ज है, वो आपको सभी प्रकार से सहायता करने वाले हैं, और आपको इस मेहनत का परिणाम शुक्र निश्चित तौर पर लाभ के तौर में देने के लिए तैयार हैं। छोटे भाई बहनों से यहाँ पर विवाद होता कुछ दिखाई पड़ रहा है किसी विषय को लेकर, तो जल्द से उन विवादों को निपटाएं और अपने कामों में लग जाएं। मेहनत के बल पर आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप कुल दीपक की तरीके से अपने घर, अपने शहर, अपने गांव, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आपके अंदर आगे बढ़ने की चाहत होगी, आप महत्वाकांक्षी होंगे। ग्रह सितारे उसी को देते हैं जिसके अंदर महत्वाकांक्षा हो, जिसको जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा हो, तो आपके अंदर इच्छा जागृत होगी, ये बहुत बढ़िया बात है।
एक तरफ मंगल आपको साहस और पराक्रम देकर धनी बना रहे हैं, वहीं शुक्र आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, और वहीं इसके विपरीत शुक्र आपको विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित भी कर रहे हैं। कभी-कभी यह आकर्षण आपको आपके कामों से भटका सकता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और यदि आप अपने लक्ष्य से भटककर विपरीत लिंग के आकर्षण में फंस गए तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। आप प्यार मोहब्बत इश्क के सपने देखेंगे और अपने जरूरी कामों को छोड़ते चले जाएंगे, जिससे कि आपको हानि हो सकती है। कुछ सपने ऐसे होंगे जो वास्तविकता में सच हो सकते हैं, कुछ सपने ऐसे होंगे जो काल्पनिक होंगे और कल्पनाओं में आप खोए रहेंगे, ये बहुत खतरनाक रहेंगे। काल्पनिक सपनों से आपको बाहर निकलना चाहिए। यदि आपकी उम्र है प्रेम संबंधों की और आप प्रेम संबंध में किसी के साथ बंधना चाहते हैं, तो सामने वाले की इच्छा अतिशीघ्र जान लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्यार या आपकी जो दोस्ती है वो एक तरफा हो और अंत में आपको निराशा का सामना करना पड़े। तो शीघ्रता करेंगे तो आपके लिए लाभ रहेगा, और ज्यादा आपका भटकाव जो स्त्रियों के प्रति और स्त्रियों का पुरुषों के प्रति हो सकता है, इससे आपको बचना चाहिए और वास्तविकता में जीना चाहिए। यह समय आपको लोग नोटिस करेंगे, आपकी बातों की तारीफ करेंगे, आपकी वेशभूषा चाल ढाल बहुत बढ़िया होगी। हो सकता है इस समय में आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए रोज सजे संवरे, यानी कि खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, खूब अच्छा अच्छा दिखें, और जैसा आपको लगता है कि सामने वाले को अच्छा लगता है आप वैसा वैसा करने की कोशिश कर सकते हैं। सब कुछ लिमिट में रहकर करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, और लिमिट के बाहर चले जाएंगे तो यही सब कुछ आपके लिए दुखदाई भी हो सकता है। आपकी दोस्ती रिश्ते में बदल सकती है और अचानक से बदल सकती है। कई बार हम किसी से मित्रता में होते हैं और हमें पता नहीं होता कि ये प्रेम है, लेकिन जब थोड़ा सा डिस्टेंस आता है या थोड़ा सा बिछड़ाव आता है तो हमें पता चलता है कि हमें एक दूसरे की कितनी जरूरत है। तो आपका प्रेम जो है वह बड़े लंबे समय से दोस्ती के नाम से चल रहा होगा, और अचानक से एक छोटा सा बिछड़ाव या दूरी आपको इतना नजदीक लेके आ जाएगा कि आप लोग झटपट फैसला कर सकते हैं, नहीं अब हमें विवाह के बंधन में बंध जाना चाहिए। इसमें आप दोनों की सहमति के साथ साथ परिवार की सहमति होती भी दिखाई पड़ रही है, और आपका यह फैसला आपके लिए लाभदायक भी रहने वाला है। आपको अपनी और अपनी माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी संतान को भी कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, उसका भी ध्यान रखें। खेल कूद करते हैं बच्चे तो ध्यान रखें कि वह चोट इत्यादि ना लगा लें। जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह भी अतिशीघ्र समाप्त हो जाएंगे। क्रोध की अधिकता थोड़ी बढ़ सकती है। पिता पुत्र के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। यह वक्त किसी रूठे को मनाने का है, यह वक्त किसी को अपना बनाने का है, यह वक्त अपने मतभेदों को, अपने मन भेदों को दूर करने का है। यह समय अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव आने का है। यह समय आप उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं या डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है और उन्हें इस समय में सफलता प्राप्त होगी निश्चित तौर पर। पुरुषों को भी होगी, लेकिन महिलाओं को ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। अब वह चाहे MBBS करना चाहती हो, चाहे किसी और तरीके से आयुर्वेदा में जाना चाहते हो, या योग इत्यादि के टीचर बनना चाहते हो, चाहे आप नेचुरोपैथी से जुड़ना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपको महिलाओं को ज्यादा सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है इन फील्ड्स में। तो यह समय जो है आपके लिए अप्रैल का अच्छा जाने वाला है, कुछ सावधानियों के साथ। इसके अलावा कुंडली में और भी ग्रह हैं और शुभ अशुभ योग बनेंगे पूरे अप्रैल के महीने में, तो वह भी कुछ अपने अच्छे और बुरे परिणाम आपके जीवन में देंगे, उनका भी जानना बहुत जरूरी है। तो उन सभी चीजों को जानने के लिए चैनल से जुड़े ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि ये ग्रहों का खेल है, ये ग्रहों का जो संसार है, जो पूरे संसार को ग्रह चला रहे हैं, ये छोटा सा नहीं है। ये एक वीडियो में या दो वीडियो में या एक छोटी सी बात में समेटा नहीं जा सकता, ये खेल बहुत बड़ा है। तो इसके लिए जानकारी भी बहुत बड़ी है। पल पल यहाँ पे चीजें बदलती हैं, पल पल अच्छा होता है, पल पल बुरा होता है। तो हर एक चीज को समझिए। आज इस वीडियो में आपको अप्रैल का महीना अच्छा सुनाई पड़ रहा है, लेकिन अगले ही पल हो सकता है कोई कोई ऐसा ग्रह आपकी जीवन में आ जाए, गोचर कुंडली में, जो आपको नुकसान पहुंचा दे, तो उससे भी आपको बचना होगा। कोई ऐसा ग्रह भी आ सकता है जो आपकी सफलता में चार चांद लगा दे। तो ये प्लस माइनस चलता रहेगा, इसीलिए हर वीडियो को देखना आवश्यक है, पूरा देखना आवश्यक है।
अब कुछ लोगों की बड़ी शिकायत रहती है कि एक वीडियो में कहते हैं आप ये बहुत अच्छा है, एक वीडियो में कहते हैं आप बहुत बुरा है। तो मैं आप सभी देवियों सज्जनों से कहना चाहूंगा, इस जीवन में जैसे जीवन और मृत्यु का नहीं पता है, जीवन जो है सुख है, मृत्यु जो है वो दुख है, तो जीवन जो है कब समाप्त हो जाए अगले क्षण इसका क्या पता, हंसते हंसते लोगों के प्राण चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से जीवन में ग्रह दुख और सुख देते रहते हैं, एक ग्रह दुख देगा तो दूसरा सुख देगा। तो इसलिए आप इस चीज को विचार कर लें कि किसी भी पल जीवन में कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी बुरा भी। इन सब चीजों को जानने का एक आधार है ज्योतिष, तो उसके लिए आपको यह कार्यक्रम देखना चाहिए और जानकारी ही आपका बचाव और उपाय सबसे बड़ा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। हरिओम, नमस्कार।